आगे बढ़ते 18 जुलाई को गोंडावी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई थी। हादसे के पीछे कई तरह की वजह सामने आ रही थी। दो ऑडियो भी सामने आए जिसमें लापरवाही उजागर हो ही थी और साथ ही रेलवे ने उस ऑडियो की सच्चाई से इनकार किया था, लेकिन अब रेलवे की 5 सदस्यों की कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में लापरवाही को ही हादसे की वजह बताया गया है। लापरवाही से पलटी गोंडा में ट्रेन, ट्रैक की मरम्मत में बढ़ती कोताही, तीस किलोमीटर प्रति घंटे की रखनी थी रफ्तार, सूचना देने में की गई लापरवाही, गोंडा में पिकोरा गांव के पास डिब्रूगढ़ ट्रेन हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रेलवे की 5 सदस्यीय टीम की जांच में हादसे को लेकर बड़ी बातें सामने आई हैं। जांच में सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की बात उजागर हुई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि ट्रैक की मरम्मत में लापरवाही बरती गई, पटरी को ठीक से ना कसने की वजह से हादसा हुआ। पटरी में पहले से डिफेक्ट था, डिफेक्ट मशीन से जांच में ये बात सामने आई थी। बावजूद इसके कोई साइड प्रोटेक्शन नहीं लिया गया। जांच में ये बात भी सामने आई कि ट्रैक की हालत देखते हुए यहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रखनी थी। दोपहर 2:30 बजे ही ट्रैक को लेकर सतर्क किया गया था, लेकिन वक्त रहते लोको पायलट तक ये सूचना नहीं पहुंचाई गई। हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड 86 किलोमीटर प्रति घंटे थी। दोपहर 2:37 के करीब ये हादसा हुआ था। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त पटरी 3 मीटर फैल चुकी थी, जिसकी वजह से पावर जनरेटर ट्रेन का पहिया पटरी से उतर गया था। झटका लगने पर इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 19 बोगियां पटरी से उतर गईं और करीब 400 मीटर दूर जाकर ट्रेन रुकी। हादसे की शुरुआती जांच के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर गोंडा, चीफ लोको इंस्पेक्टर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर गोंडा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर समेत 6 अधीक्षकों के बयान दर्ज किए गए। जांच रिपोर्ट आगे सौंप दी गई है। वहीं हादसे के बाद रेलवे ने इस जगह पर 2 हफ्ते के लिए अप और डाउन दोनों लाइनों पर 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तय कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।